राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है बुबानिया। उसी गांव के एक युवा ने नौकरी की तलाश में अजमेर से रेल पकड़ी और वो अहमदाबाद पहुंच गया। अहमदाबाद पहुंचने के बाद में उसने इधर उधर तलाश करके अपने जो पुराने जो रिश्तेदार मित्र वहां थे उनके द्वारा वहां पे एक नौकरी पकड़ ली। नौकरी उसे मिल गई, लेकिन उसके मन में एक टीस थी कि जिस तरह मुझे आज नौकरी करने के लिए भटकना पड़ा है या मुझे नौकरी की तलाश करनी पड़ी है, ठीक उसी तरह मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरह से नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा। इस तरह की टीस हर नौकरी करने वाले के मन में होती है, लेकिन बुबानिया गांव के उस युवा ने कुछ अलग ही करने की ठान ली थी। उस युवक का नाम था नारायण सिंह राठौड़। उन्होंने नौकरी करते हुए खुद को इस प्रकार से तैयार किया कि अपना खुद का काम शुरू कर सके और कुछ ही समय में नौकरी छोड़कर एक छोटा सा वर्कशॉप कर दिया और आज वही छोटा सा वर्कशॉप एक बड़ी कंपनी का रूप ले चुका है। नाम है कॉम्पटेक, जो इंडस्ट्रियल कंप्रेसर बनाने की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अपने पिता द्वारा देखे गए सपनों को उनके बेटों विनोद सिंह राठौड़ और सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने आगे बढ़ाया। हमारा एयर कंप्रेसर बनाने की कंपनी है और साथ साथ में रियल एस्टेट का भी काम है। हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करते हैं। अच्छा, इसमें एयर कंप्रेसर में आपके क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं? इंडस्ट्रियल एयर कंप्रेसर है, इसमें हम लोग 3 HP से लेके 350 HP तक के बनाते हैं, जो कि ऑक्सीजन प्लांट में भी लगते हैं और काफ़ी गैस इंडस्ट्री में लगते हैं। पेट ब्लोइंग मशीन जो होती है उसमें लगते हैं। अच्छा, इनकी सेल कहाँ कहाँ पर होती है, देश में या बाहर भी? करीब 90% इंडिया में होती है, बाकी 10% जैसा एक्सपोर्ट का काम है। पिता द्वारा स्थापित कंपनी को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं था, इसके लिए दोनों भाइयों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। एक समय तो ऐसा आया जब राठौड़ परिवार अपने बच्चों की स्कूल फीस भी समय पर जमा नहीं करा पाया। एक टाइम ऐसा था कि फैक्ट्री के नीलामी हो गई थी और समझो आप स्कूल में फीस भरने के पैसे भी नहीं थे और स्कूल छोड़नी पड़ी थी, और जैसे तैसे टाइम पास किया हो। फिर मैं टेंथ में आने से पहले मैं फैक्ट्री में आने लग गया था काम करने के लिए, और जिस तरह से करके हम लोग फैक्ट्री चला रहे थे, लेकिन बड़े बड़े हार्ड वर्क से और लगन से लगे रहे इसी धंधे में। अगर छोड़ दिया होता उस वक्त तो आज पता नहीं कहाँ होते, लेकिन लगे रहे इसी धंधे के अंदर तो आज ये मुकाम तक पहुँच पाए। तो मेरा संदेश यही है युवाओं को कि कुछ भी काम करते हैं तो उसको अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है, हार्डवर्क बहुत जरूरी है। कॉम्पटेक कंपनी को आगे बढ़ाते हुए राठौड़ परिवार ने धीरे धीरे रियल इस्टेट क्षेत्र में भी अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। आज राठौड़ परिवार की रियल इस्टेट कंपनी ने अहमदाबाद जैसे महंगे औद्योगिक क्षेत्र में कई औद्योगिक पार्क विकसित कर दिए हैं। रियल इस्टेट में हम लोग कच्ची लैंड परचेज करते हैं पहले, फिर उसको NA कन्वर्ट करके और प्लॉटिंग करते हैं उसका, जिसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा डेवलप करते हैं, रोड बनाते हैं, स्ट्रीट लाइट है, फिर हर एक प्लॉट में पानी का कनेक्शन है, और अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क। उसमें कितने बड़े जैसे प्लॉट हो जाते हैं? 300 acres से करीब 2000 acres तक के होते हैं, और जो इंडस्ट्रियल पार्क का जो साइज जो है वो करीब 1,00,000 acres का, 1.5 lakh acres का ऐसा होता है। ये हमारी अभी जो है वो 11वां प्रोजेक्ट है हमारा। अब राठौड़ परिवार की इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तीसरी पीढ़ी ने संभाल ली है। मैं करण सिंह राठौर हूँ। हम लोग कॉम्पटेक इक्विपमेंट्स लिमिटेड चलाते हैं, वो एयर कंप्रेसर की कंपनी है। तो हम लोग अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज़ को हम लोग एयर कंप्रेसर सप्लाई करते हैं, और हम लोग इंडिया में नंबर 2 में आते हैं इंडियन कंपनी में। तो क्या दूसरे क्या मल्टीनेशनल कंपनी बनाते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज है और एक और इंडियन कंपनी है, तो हम लोग नंबर 2 में आते हैं उसमें। आपका नाम? मेरा नाम दुष्यंत सिंह राठौर है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और मैं कॉम्पटेक में टेक्निकल और परचेज देखता हूँ। आपके पिताजी ने आपके लिए विरासत में इतने बड़ा एक एम्पायर खड़ी कर रखी है बिजनेस की, तो कैसा फील करते हो आप? बहुत यानी प्राउड फील होता है, और यानी हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है। यानी अभी जैसे अगर हम लोग अगर कहीं पर जॉब या नया धंधा चालू करना होता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता,
आप क्या सोचते हैं, आपने भी मैकेनिकल के अंदर जो इंजीनियरिंग किया है, तो यदि आपका ये बिजनेस नहीं होता तो आपके सामने किस तरह की परिस्थितियाँ होती? परिस्थिति ये होती कि हम लोग कतार में खड़े होते हैं जॉब लेने के लिए, और आज की डेट में लोग हमारे यहाँ पे जॉब लेने खड़े रहते हैं, तो हम लोग आज की डेट में 200 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, 200 लोग हमारे यहाँ पे काम करते हैं, और कई सारे डीलर्स हैं, तो डीलर्स के भी अंडर कई सारे आदमी हैं, तो कुल मिला के कॉम्टेक के अंडर अराउंड 500 लोग एक तरीके से इनडायरेक्टली काम करते हैं। आप भी राजस्थान से बिलोंग करते हो, और राजस्थान के अंदर एक धारणा बनी हुई है राजपूत समाज में कि राजपूत धंधा नहीं कर सकते, उनके लिए तो बस बच्चों को नौकरी कर लो। कोई भी बच्चा यदि नौकरी करने मतलब नौकरी नहीं करना चाहता और अपना धंधा करना चाहता है, तो उसके अभिभावक उसको प्रेशर देते हैं कि भाई बेटा तू नौकरी कर ले, धंधा राजपूतों के बस का नहीं है। तो ऐसे अभिभावकों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ है कि शादी के लिए रिश्ता आया था तो पूछा था क्या करता है, तो हमने बताया बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करते हैं जॉब नहीं करता है, ये आगे से सवाल है। मतलब वो जॉब तो जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जॉब आर्मी, तो ये धारणा बहुत गलत है, क्योंकि हमारे राजपूत समाज में लोग ये ज़्यादा चाहते हैं कि सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले, पर सेफ्टी और सिक्योरिटी आगे वो ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। बिजनेस में आप देखेंगे तो ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि आप ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती है, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में रहता है। नारायण सिंह राठौड़ ने जो सपना देखा था वो आज पूरा होता नजर आ रहा है। आज उनकी तीसरी पीढ़ी नौकरी तलाशने के बजाय सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। नारायण सिंह राठौड़ की ये कहानी हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि नौकरियों के पीछे भागने के बजाय खुद को इस काबिल बनाएं कि हम लोगों को रोजगार दे सकें। हम लगातार शौर्य गर्जना के माध्यम से आपके सामने ऐसी ही और प्रेरणादायी कहानियां लेकर आते रहेंगे। आप इन कहानियों से प्रेरणा लें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय भारत।